नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कमर्शियल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए नारियल की चटनी की रेसिपी लाए हैं, जो कि बहुत ही कम समय में एवं सिंपल तरीके से आपको बना के दिखाएंगे। ये चटनी खाने में भी वो टेस्टी लगता है, खास करके डोसा इडली के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए एक मीडियम साइज का नारियल, जिसको हम लोग तोड़ लिए हैं और उसका ऊपर का छिलका छील लिए हैं। 25 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम मूंगफली, सरसों का तेल, 50 ग्राम दही, एक गिलास पानी, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, 3 लहसुन के दाना, लहसुन आप नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए, जीरा, हींग, 2 लाल मिर्च, नमक, सरसों, करी पत्ता और उड़द की दाल। सबसे पहले चना दाल को और मूंगफली को तेल में फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में नारियल, चना दाल और बादाम को डालकर और ये मसाले सारे डालकर पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसे पहले फ्राई कर लेते हैं। आंच को मीडियम रखें और तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें 3 हरी मिर्च डाल दें। ऐसे चलाते रहें। इसमें 3 लहसुन डाल दें। धीमी आंच पर इसे फ्राई करें जब तक गोल्डन ब्राउन तक कलर ना हो जाए। इसे अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन हट जाए। अब देख पा रहे हैं चना दाल और बादाम अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडे होने के लिए। ठंडा हो जाने के बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर से पीस लेंगे। चना दाल और बादाम को डाल देंगे। नारियल डाल देंगे। जीरा, अदरक का टुकड़ा और नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें और थोड़ा सा पानी, पानी हल्का हल्का डालें। चटनी पीसते वक्त आप धीरे धीरे पानी डालें। आप देख सकते हैं हमारी चटनी पीस चुकी है और देखने में बहुत ही स्पाइसी लग रही है। चलिए इसे आप दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं।
इसमें हिसाब से आप पानी डालें, आपको जितना गाढ़ापन रखना हो उसके हिसाब से आप पानी डालोगे। इसमें दही डाल देते हैं, 50 ग्राम दही। हमारी चटनी लगभग तैयार है, केवल इसमें तड़का देना बाकी है। तो चलिए इसमें पहले तड़का दे लेते हैं। तड़का देने के लिए सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे। तड़का पैन चपाएंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें सरसों का तेल डालेंगे, तेल गरम होते ही इसमें सरसों डालेंगे। मिर्ची डालेंगे। सरसों जब चटक जाए इसमें उड़द दाल डालेंगे। एक चुटकी हींग डालेंगे। और लास्ट में कड़ी पत्ता डालेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी चटनी तैयार है। हल्के से इसे चला लेंगे। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, जिसे इडली और डोसे के साथ सर्व किया जाता है। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस चटनी को घर पर बनाइए, बहुत ही अच्छा और इजी प्रोसेस में बनके तैयार हो जाएगा। हमारी नारियल की चटनी तैयार हो गया है, ये बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। ये रेसिपी आप घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें।